कल ये बड़ा दुखद और दर्दनाक जो है हादसा हो गया है, इलेक्ट्रोक्यूशन हो गया है जो ये हाई टेंशन लाइन कैंप के अंदर से गुजर रहा है। तो ये हमारे जवान टेंट पिच कर रहे थे, कुछ टेंट पिच थे और ये टेंट एक लगाना था, तो इसी लगाते समय हाई टेंशन लाइन की जो हाइट है वो काफ़ी कम है जगह जगह पर, क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन हुआ है उसकी वजह से थोड़ा सा वैसे ही हाइट इसका कम है, और कंस्ट्रक्शन की वजह से ग्राउंड से जो हाई टेंशन लाइन गई हुई है इसकी जो हाइट है वो काफ़ी कम है। तो कहा जा रहा कि कई बार आपने चिट्ठी भी लिखा है। जी हाँ, 2017 में जहाँ पर हमारे बटालियन के रिकॉर्ड हैं, 2017 में इसका रिकॉर्ड मिल रहा है जो हमने पहली बार एसटीओ को पत्र लिखा था, उसके बाद से हम लोग प्रयासरत हैं, करेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं बिजली विभाग से, लेकिन उस कोई प्रभावी कदम बिजली विभाग द्वारा नहीं लिया गया है। कहीं कहीं बिजली विभाग की लापरवाही थी। जी हाँ, निश्चित रूप से बिजली विभाग की लापरवाही है, या इन लोगों ने प्रोएक्टिव स्टेप्स नहीं लिए हैं इसको ठीक करने के लिए। और इसके अलावा कैंपस के अलावा जो गांव को बिजली की सप्लाई की गई है वो उसका भी हाई टेंशन लाइन जो है हमारे कैंप के थ्रू से ही गुजर रहा है, यानी कि 3 हाई टेंशन लाइन्स इस कैंपस के थ्रू गुजर रही है, और जिसकी वजह से टेंट पिच करते समय ये पोल संभवत उस पर टच नहीं किया हो, लेकिन ये हाई टेंशन लाइन दूर से ही बिजली उसमें फ्लो कर जाता है, वो जो आयरन पोल्स हैं, तो इसकी वजह से हादसा हो गया। 3 इसमें मृत हो गए और बाकी 9 अभी रामशीला हॉस्पिटल जो दरभंगा के करीब में सकरी में है वहाँ चिकित्सारत हैं, और सभी लोग लेकिन स्टेबल हैं। कल हम वहाँ मिल के भी आए थे। हाँ, इनका कल हमने RTC सुपौल में इनका हमने सेरेमोनियल गार्ड उसका शोक शस्त्र मनाया गया और उनको हमने ट्रिब्यूट्स दिया, और सब लोग जो है पटना से अभी अपने उनके होम टाउन में उनकी बॉडीज को भेज दिया गया जा रहा है, और वहाँ पे भी जहाँ उनका घर है होम टाउन पे भी जो नियरेस्ट फोर्स है CAPF है, उनसे भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वहाँ भी उनको अपने गाड़ियों में उनके होम टाउन तक बॉडीज़ पहुँचाए और वहाँ भी उनको ट्रिब्यूट्स पे करें।